हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज वीडियो हम देखेंगे यूपी SSC असेंबली एंड फायर गार्ड के करंट पर की सीरीज का 8वां वीडियो। इससे पहले हमारे 7 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने 220 टोटल क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो टोटल जो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 250। मैंने आपसे बोला था कि मैं यूपी SSC असेंबली एंड फायर गार्ड के लिए 2018 के लिए सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे 2018 के, उसके मैं 250 क्वेश्चन आपको दूंगा। तो आज 1 दिसंबर 2018 तक 2018 तक मेरे 250 क्वेश्चन कवर हो गए टोटल 8 वीडियो में। तो इससे पहले जो हमारे 7 वीडियो आए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, अगर अभी उनको नहीं देखे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, मैं आप सभी से पूछा था कि यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी तथा मैं रेलवे RPF CVT 2 की करंट अफेयर की सीरीज चालू करने वाला हूं, तो आपसे ये डेट पूछा था कि डेट क्या होनी चाहिए, 3 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो सभी लोगों ने, ज्यादा लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर टाइम बहुत कम है, 3 दिसंबर से ही चालू कर दीजिए। तो मैं कल परसों से 3 दिसंबर से यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के करंट अफेयर की सीरीज, साथ ही साथ एक दूसरी सीरीज चलाऊंगा रेलवे के लिए। तो आप अगर इन दोनों एग्जाम के लिए अपियर होना चाह रहे हैं तो इन दोनों करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सुबह 6 बजे ये यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी तथा रेलवे की करंट अफेयर की सीरीज का वीडियो मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है इन ज्योति श्रीनिवास। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सॉरी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो बहुत ज्यादा लाभ अर्जित करती हैं, उनको सरकार कहती है जो आय अर्जित कर रहे हैं उनमें से कुछ आय का, अपनी आय का समाज में अच्छे कार्यों के लिए या फिर पर्यावरण के लिए लगाए, तो उन्हीं के लिए ये कमेटी गठित की गई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से, कि वो कितना प्रतिशत अपनी आय का किस सेक्टर में दें, इसीलिए ये कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष हैं इंद्रजीत श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रथम भारतीय राज्य जहां अंधविश्वास विरोधी विधेयक को लागू किया गया है। तो ये है ऐसा करने वाला भारत का राज्य कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर कर्नाटक में अब कोई अंधविश्वास विरोध, ये जब से अंधविश्वास विरोधी विधेयक लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वासी, जादू टोना या अन्य धर्म के नाम पे कुछ अमानवीय कार्य कर रहा तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी, इससे ये होगा कि कोई भी मनुष्य और जानवर के प्रति हानि नहीं पहुंचेगी। अब वही बात यहाँ कर्नाटक की, तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमार स्वामी, ये JDS यानी कि जनता दल सेकुलर से मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है जी परमेश्वरम जो कि कांग्रेस से हैं, क्योंकि कर्नाटक में जनता दल और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। अगला क्वेश्चन, यहाँ कर्नाटक के जो राज्यपाल है उनका नाम वाजुभाई वाला और कर्नाटक की जो राजधानी उसका नाम है बेंगलुरु। अब कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्नाटक का जो पहला नाम था उसका नाम था स्टेट ऑफ मैसूर, कर्नाटक का पूर्व में जो नाम था उसका नाम था स्टेट ऑफ मैसूर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, तो आपको बताना है वो कौन सी नदी। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल नदी विवाद चल रहा है बहुत दिनों से, करीब करीब 70 साल से चल रहा है। तो ये क्वेश्चन, और अभी 2018 में ये बहुत क्वेश्चन हाईलाइटेड रहा, तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक की जो भाषा है वो है कन्नड़, और कर्नाटक में ये एक जोग फाल या गुरुसप्पा फाल पड़ता है जो कि कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। कर्नाटक भारत में नंबर वन है कॉफी उत्पादन में, कर्नाटक नंबर वन है चंदन वनों के वृक्षों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो जो अन्नपूर्णा देवी थी ये महान संगीतकार थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, और ये अन्नपूर्णा देवी महाराष्ट्र के मुंबई से थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में भारत में कहां सबसे अधिक जीका वायरस की पुष्टि हुई? तो ये हुई है जयपुर में। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा जीका वायरस से प्रभावित लोग पाए गए। यहां करीब करीब 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जीका वायरस से। दूसरी बात, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो जयपुर है इसको बसाया था राजा जयसिंह सवाई ने, राजा जयसिंह सवाई द्वितीय ने। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजल में आ चुका कि जयपुर को किसने बसाया था, तो इसको बसाया था राजा जयसिंह सवाई सेकंड ने या द्वितीय ने। और जयपुर में ही हवा महल और अमर फोर्ट दो चीजें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के सम्मेलन की मेजबानी देश के मेजबान देश कौन सा था? यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस का मेन इवेंट हुआ उसका होस्ट कंट्री कौन था? तो वो था अपना देश भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विश्व पर्यावरण जो दिवस है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस का इस साल का जो थीम था वो था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। और जून 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जून ही में एक इंपॉर्टेंट दूसरा दिवस मनाया जाता है, वो आपको याद रखना, वो है 21 जून। 21 जून को पूरी दुनिया में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी जो शुरुआत है भारत के बहुत ही प्रयासों से किया गया है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने भूकंप और सुनामी प्रभावित किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया है? ये जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री है ये लॉन्च किया है इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया में अभी अभी एक भूकंप भी आया था और साथ ही साथ यहाँ एक ज्वालामुखी भी फट गया था, इसीलिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया की जो राजधानी उसका नाम है जकार्ता। इंडोनेशिया के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, जो कि 2018 में ही बने हैं। और इंडोनेशिया में के सह जो की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पे ही हेडक्वार्टर आसियान कंट्रीज का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में। और जो भारत है वो आसियान का मेंबर नहीं, ये याद रखना, भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। भारत सार्क का मेंबर है, बिमस्टेक का मेंबर है, लेकिन आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान में सिर्फ ये ऑब्जर्वर मेंबर है। और 2017 का जो 2018 का जो हमारा 26 जनवरी का परेड होता है नई दिल्ली में, उसमें जो देश आए थे वो सभी आसियान 10ों देश आए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो जो आसियान है इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। दूसरा, आसियान में ही 2018 के एशियन गेम्स खेले गए, जो कि दो शहरों में खेले गए, जकार्ता और पलंबेग, जो कि इंडोनेशिया में ही पड़ता है। आपको याद रखना है कि 2018 के जो एशियन गेम्स हैं वो खेले गए हैं इंडोनेशिया के जकार्ता और पलंबर्ग। इससे पहले जो भारत सबसे पहले एशियन गेम्स खेले गए थे वो खेले गए थे 1991 में नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी जिसको कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इंग्लिश में बोलते हैं CFO, ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने अब पहली बार 2018 में नई पोस्ट क्रिएट किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी जो पहली बार नियुक्त की गई उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं और इसको भारत सरकार का भी बैंक कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इससे पहले 1949 से पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय था वो था कोलकाता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1934-35 में और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर उनका नाम है उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना द्वारा द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह आयोजित किया गया, तो ये आपको बताना है कहाँ आयोजित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है अब इसको भारत सरकार प्रतिवर्ष मनाएगी पराक्रम पर्व के रूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसका जो मेन इवेंट मनाया गया वो मनाया गया राजस्थान के जोधपुर में इंडियन आर्मी के
इंडियन एयरफोर्स के कमांडेंट मुख्यालय में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की। तो आपको याद रखना, सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह मनाई गई है राजस्थान के जोधपुर शहर में, और इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया पराक्रम पर्व। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाके घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और वहां बहुत से जो छिपे हुए आतंकवादी थे उनको मार गया था। उसी की यादगार में अब भारत सरकार दूसरे साल मनाई है सर्जिकल स्ट्राइक डे, जिसका नाम रखा गया पराक्रम पर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने वाला देश का प्रथम महानगर कौन बन गया? मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला महानगर बन गया है कोलकाता। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ऐसा करने वाला भारत का कोलकाता शहर है। दूसरी बात, कोलकाता जो शहर है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका जो दूसरा नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिटी ऑफ जॉय भारत के किस शहर का नाम है, तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दूसरा नाम है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दूसरा नाम है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कोलकाता का जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो किसने किया था, तो कोलकाता का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था जाब चारनाक ने। ये आपको याद रखना है, कोलकाता का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो किया था जाब चारनाक ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि कोलकाता में ही ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी के टर्म्स में। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 60,000, जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य उच्च न्यायालय जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करने के संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह उच्च न्यायालय जिसने जो हमारा हमारे समुदाय का थर्ड जेंडर है ट्रांसजेंडर, उसको जो सरकारी सेवाएं हैं सरकारी नौकरियां हैं उसमें रिजर्वेशन देने को कहा है, तो ऐसा कहने वाला है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ऐसा कहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। और उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय ये पड़ता है नैनीताल में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2018 में बहुत बड़े फैसले दिए हैं, वो भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बताया है कि जो ने ये दिया है आदेश कि जो उत्तराखंड के जानवर हैं उनका उतना ही अधिकार है जितना आदमियों का अधिकार है, तो ये भी ऐसा आदेश देने वाला उत्तराखंड उच्च न्यायालय ही है। और तीसरा क्वेश्चन ये कि उत्तराखंड ने ही बता ये आदेश दिया कि जो नदियां हैं उनको अगर उसमें कोई प्रदूषण फैलाता है तो वह नदियों को उतना ही अधिकार है जितना आदमियों को अधिकार है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने के लिए जो आदेश दिया गया उत्तराखंड उच्च न्यायालय, और जानवरों को उतना ही अधिकार है जितना कि आदमियों को, ऐसा कहने वाला उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, और नदियों को जितना अधिकार है जितना कि आदमियों को अधिकार है ऐसा कहने वाला ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। और उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है उसके अभी अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनको भी याद रखना, जिनका नाम है के एम जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड की जो नई राज्यपाल बनी है उनका उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की जो नई राज्यपाल बनी है उनका नाम है बेबी रानी मौर्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन बन गया है? कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला देश का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन, अभी 2018 में दो नई चीजों को जारी करने वाला दो भारत के स्टॉक एक्सचेंज बन गए, उनका क्या नाम ये भी पता होना चाहिए कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने तो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है भारत में पहली बार। दूसरी बात, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो ये पहली बार जारी किया है भारत में, जिसको जिसको बोलते हैं एनएसटी एनएक्स एनएससी नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज इसने पहली बार पीतल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। नेशनल राष्ट्रीय कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज भारत में पहली बार 2018 में पीतल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ये भी आपको याद रखना। दूसरा बात, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज जो है इसने भारत में पहली बार हीरा में ट्रेडिंग चालू किया। ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई, और पीतल में ट्रेडिंग करने वाला है राष्ट्रीय कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि पहली बार हीरे में ट्रेडिंग करेगा। दूसरी बात, अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी आपको बातें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा कंप्रेस गैस उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई नई योजना का क्या नाम? तो इसका नाम है सैटेट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, और हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उनका नाम है मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय हैं, जिन्होंने ही ये इसलिए उन योजना को लॉन्च किया गया है सैटेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भौतिकी क्षेत्र में 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसके जो 2018 के भौतिकी यानी फिजिक्स में विजेता है वो है आर्थर स्किन, गेरार्ड मैरो और डोना स्किटलैंड। और ये जो आर्थर अस्किन है यह एक मेल है अमेरिकन, और गेरार्ड मैरो जो है ये फ्रांस के मेल हैं, और जो डोना स्किटलैंड है ये कनाडा की एक महिला है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक की जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 से दिए जा रहे हैं, 1901 से, वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो 1901 से लेके अब तक की फिजिक्स के क्षेत्र में सिर्फ तीन महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो महिलाएं कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो ये तीन महिलाएं हैं उनका नाम है मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में दिया गया था। उसके बाद मारिया गेपार्ड मेयर है, जिनको 1983 में दिया गया था। और तीसरी महिला है ड्रोना स्किटलैंड, जिसको 2018 में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में अब तक की कितनी महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है? तो सिर्फ और सिर्फ तीन महिलाओं को दिया जा चुका है, मैडम क्यूरी को 1903 में, मारिया गेपार्ड मेयर को 1963 में, और ड्रोना स्किटलैंड को जो कि 2018 की विनर है। तो ये सभी चीजें पता होना चाहिए। और मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिनको दो बार दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिल चुका है। वो कौन कौन से हैं? मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। ये भी एक ऐसा आश्चर्यजनक फैक्ट है। और जो नोबेल पुरस्कार है मैं बता ही चुका हूँ, अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में हर साल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये संस्कृत का जो ऑनलाइन कोर्स है इसको चालू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बन गया है JNU, जिसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि पड़ता है नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में FTII के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या था? तो FTII का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भारत का एकमात्र फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिसका जो ये है पड़ता है महाराष्ट्र मुंबई में। तो FTII है महाराष्ट्र मुंबई में। इसके जो अध्यक्ष थे अनुपम खेर थे, इन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसके जो दोबारा नए वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है भूपेंद्रा काईथोला। याद रखना, FTII के जो नए अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है भूपेंद्रा काईथोला। और जो प्रसून जोशी हैं ये हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं CBFC, जो हमारे देश में जो फिल्में होती हैं उनको सर्टिफिकेट देता है, यानी कि
उनको पास करता है। तो प्रसून जोशी है वर्तमान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सुरजीत सिंह देसवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो आईटीबीपी, इसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, जो कि हमारे भारत और जो चाइना है उसके उस बॉर्डर की सुरक्षा करता है। बीएसएफ है, बीएसएफ जो है जिसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा की रक्षा करता है, जिसका जिसके जो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक उनका नाम है रजनीकांत मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की हिस्ट्री में, अब तक की हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी कम रैंकिंग आई, मतलब इतनी अच्छी पोजिशन पे रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत। इससे पहले जितनी बार भी भारत की रैंकिंग आती थी वो 100+ होती थी, पिछली बार जो आई थी वो थी 99 और इस बार जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग आई है वो आई है 77, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत की 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो रैंकिंग वो है 77। मैंने आपसे हर वीडियो में बोला था, कल भी बोला था कि अगर कोई भी आप इंडेक्स याद कर रहे थे तो उसमें आपको तीन बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात, भारत में उसकी क्या रैंकिंग है, दूसरी बात उस रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन रहा, तीसरी बात उसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग है 77 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड और नंबर 2 पे रहा सिंगापुर। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और जिसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम यांग किम। दूसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता कि कोई देश, किसी देश में जो व्यापार है या बिजनेस करना, नए नए बिजनेस खोलना या उनको प्रसार करना कितना इजी है, तो ये कितना सरल है किसी देश में व्यापार करना या बिजनेस करना या कितना कठिन है उसी को दर्शाता है। तो 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 99, अब हो गई है 77, यानी कि 2017 के कंपैरिजन में 2018 में जो भारत के अंदर बिजनेस करना है वो बहुत ही आसान हो गया है 2017 के कंपैरिजन में, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिमिक्स 2018 कहाँ शुरू किया गया? तो जिमिक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018। इसका जो शुभारंभ किया गया वो किया गया विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी भारत के इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और अन्य देशों के बीच युद्ध अभ्यास हैं वो सभी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक और भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज जो होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और जापान और अमेरिका तीन देशों के बीच होता है। अब ये भी पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास हुआ वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें भी भारत ने भाग लिया। तो इस सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सतीश के गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इससे पहले जो पेटीएम पेमेंट बैंक की सीईओ और एमडी थी उनका नाम था रेणु सती, लेकिन रेणु सती को अब हटा के बना दिया गया सतीश के गुप्ता। और जो पेटीएम कारपोरेशन है, यानी कि पेटीएम जो कंपनी, उसकी जो ओवरऑल सीईओ है उनका नाम है रेणु सती। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए पेटीएम की, पेटीएम कंपनी के कौन से की सीईओ कौन है, तो उनका नाम है रेणु सती, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसके जो सीईओ और एमडी है उनका नाम है सतीश गुप्ता, क्योंकि पेटीएम कंपनी के अंतर्गत पेटीएम मॉल, पेटीएम पेटीएम डॉट कॉम, पेटीएम ऐप, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सभी तीन चार कंपनी आ जाती है। तो ओवरऑल पेटीएम की जो सीईओ है उनका नाम है रेणु सती और पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सीईओ है उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, सतीश के गुप्ता। और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, जो विजय शेखर शर्मा है उन्हीं ने पेटीएम कंपनी की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और हमारे वर्तमान में जो कृषि यानी मंत्री यानी कि एग्रीकल्चर मंत्री, उनका नाम है राधा मोहन सिंह, जो कि बिहार से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जीईओएम, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, का गठन किया गया। तो बताना है आपको इस परिषद का यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का हेड कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा? तो ये जो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए ये कमेटी बनाई गई, इसके हेड होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। इसमें इस जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज गठित की गई, इसमें जो अन्य मिनिस्ट्रीज होंगे वो होंगे गृह मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला एवं प्रकाश मंत्री, ये सभी जो मंत्रालय हैं इस कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन जो इसका हेड होगा वो होगा गृह मंत्रालय, जो है गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। दूसरी बात, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण, जो कि बंगलुरु से राज्यसभा सांसद हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में मेनका गांधी, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक मंत्री का नाम दे दिया जाए या किसी एक सांसद का नाम दे दिया जाए, वो पूछा जाता है ये किस इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट या मेन मेन मंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होना चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बनारस उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत में कब से भारत स्टेज फोर्थ वाहन नहीं बेचा जाएगा? तो भारत स्टेज फोर्थ जो है ये एक इंजन का प्रकार होता है, जिसमें जो हमारे पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड और मेजरमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितना जो SO2 है या CO2 है वो कितना निकलना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है भारत स्टेज फोर्थ। तो इस समय जो भारत में वर्तमान में गाड़ियां चल रही वो चल रही भारत स्टेज फोर्थ की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब भारत स्टेज फोर्थ जो है 1 अप्रैल 2020 से जो गाड़ियां हैं ये नहीं बिकेंगी, अब जो बिकेंगी सीधे बिकेंगी भारत स्टेज सिक्स की। जो भारत स्टेज फाइव है वो नहीं चलेगा, सीधे भारत स्टेज फाइव सिक्स आएगा। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत कम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में भारत स्टेज फोर की जो गाड़ियां हैं या वाहन है वो 1 अप्रैल 2020 से नहीं बेचे जाएंगे। अब इसके बाद जो बेचे जाएंगे वो होंगे भारत स्टेज सिक्स के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ट्रेन की सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया चाइना में यानी कि चीन में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, चाइना के। जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सी जिनपिंग। इनका जो कार्यकाल है वो असीमित, क्योंकि यहाँ की जो नेशनल पीपल्स पार्टी है उनको ये अधिकार दे दिया सी जिनपिंग को कि वो जब तक चाहे वो तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति का चाइना के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता था वो होता था 5 साल, लेकिन अब यहाँ की जो पार्टी है जिसका नाम नेशनल पीपल्स पार्टी, उसने ये अधिकार दे दिया कि ये जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। और जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो शासन कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, और जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल होता है 4 साल, और जो रसिया का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है 5-6 साल। ये सभी आपको याद रखना है। अब हम कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं। चीन की मुद्रा का बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि चीन में दो मुद्रा हैं, एक है रेनमिन जो कि चीन की लोकल मुद्रा है, और एक है युआन जो कि चीन की इंटरनेशनल मुद्रा है। तो ये दोनों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जाती है रेनमिन। रेनमिन किस देश की मुद्रा है? तो ये है चीन की। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की एक कंपनी है जो बहुत बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है कि उसके सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है Alibaba.com, जिसके सीईओ फाउंडर हैं जैक मा। Alibaba.com जो है ये चाइना का कंपनी है, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, और ये इसके फाउंडर और सीईओ हैं जैक मा। और जैक मा ही चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जैसे भारत में मुकेश अंबानी, उसी प्रकार चाइना में के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है जैक मा। दूसरी क्वेश्चन, दूसरी कंपनी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैधु जो है ये क्या है और किस देश में
कंपनी है। तो बैदू जो है, जैसे अपने यहाँ गूगल सर्च इंजन चलता है, इसी प्रकार चाइना में गूगल सर्च इंजन नहीं चलता है, वहां चलता है बैदू सर्च इंजन। तो बैदू एक चाइनीज सर्च इंजन है जो कि चाइना की कंपनी। तो आपको याद रखना, बैदू जो है एक सर्च इंजन है जो कि चाइना में चलता है। चाइना में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब नहीं चलते, उनके सभी खुद के अपने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क साइटें या सर्च इंजन है। जो सर्च इंजन है चाइना का, उसका नाम है बैदू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता है, जिसमें गोल्डन बूट अवार्ड किया गया है। तो आपको पता है, अभी भी 2018 में रूस में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला खेला गया। तो वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इस भी क्वेश्चन में एक साथ कवर कर लिया है। यहाँ पूछा गया गोल्डन बूट अवार्ड किया किसे दिया गया, तो ये दिया गया हैरी केन को। हैरी केन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन बूट अवार्ड जो हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने कितने गोल किए थे। तो इन्होंने किए थे 6 गोल। जो गोल्डन बूट का अवार्ड होता है वो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है। तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें सबसे ज्यादा गोल किए हैरी केन ने टोटल किए 6। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। जो गोल्डन बाल अवार्ड है, ये दिया गया क्रोएशिया के खिलाड़ी लुका मैड्रिच हैं, ये क्रोएशिया के कप्तान भी थे। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो दिया गया, ये बेल्जियम के खिलाड़ी को दिया गया, जिनका नाम है तिब्रतियत कॉर्टियस। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, यंग प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया, उनका नाम है किलियन एमबापे, जो कि फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया स्पेन की टीम को, और जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है, ये जीता है फ्रांस ने 4-2 से, किसको हरा के, क्रोएशिया को। और ये कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया रूस में। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो हुआ रूस में, इसके ठीक 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2022 में आयोजित किया जाएगा कतर में, और 2026 में 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। वो 3 देश हैं, आपको याद रखना, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, संयुक्त रूप से 3 देशों में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। IIAF यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत के एक पहले खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है हिमा दास। हिमा दास जो है असम के नगाव डिस्ट्रिक्ट की हैं, इस इनको नगाव डिस्ट्रिक्ट के ढींग टाउन की, इसीलिए इनको बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। ये भी आपको याद रखना कि ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिमा दास को, जो कि असम की हैं। एक क्वेश्चन और इनसे अभी भी हाल में पूछा जा सकता है, जो इंडियन IOCL कंपनी है, इन्होंने एज HR इनको रिक्रूट कर लिया ए ग्रेड में। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, हिमा दास को किस कंपनी ने एज HR रिक्रूट किया, या किस कंपनी ने नौकरी दिया। तो हिमा दास ने इंडियन IOCL उनमें एज HR ग्रेड ए में नौकरी दिया है अभी जल्दी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन, IPL 2018 की विजेता टीम कौन है। तो IPL 2018 की जो विजेता टीम है, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन थे MS धोनी। ये आपके ALP एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका था, उसी को मैं देखते हुए यहाँ पे कवर किया हूँ कि IPL 2018 की जो विजेता टीम है, उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018, जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, इसका खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता केरल की टीम ने। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी है जो है भारत की राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू मैच खेली जाने वाली फुटबॉल की ट्रॉफी, याद रखना आपको, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है। और विश्व की जो सबसे बड़ी फुटबॉल का ट्रॉफी मानी जाती है, वो है फीफा वर्ल्ड कप। सॉरी। उसके बाद व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, ये बहुत बार आपके ग्रुप डी और ALP में पूछी गई, इसलिए मैंने यहाँ कवर किया है। तो व्हाई आई एम हिंदू के जो लेखक हैं, उनका नाम है शशि थरूर। इनकी हाल ही में एक नई पुस्तक आई, उसको भी याद रखना है, जिसका नाम है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर भी शशि थरूर की नई पुस्तक है। आपको सभी जो 2018 में पुस्तकें आई हैं, चर्चित पुस्तकें, याद रखना है, जैसे एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेट रेप्रेस सत्या नडेला, वन इंडियन गर्ल के लेखक हैं
चेतन भगत, आई डू व्हाट आई डू के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, ये सभी पुस्तकें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 100 महिलाएं जिन्होंने दुनिया को बदला में बीबीसी द्वारा 100वें स्थान पर सूचीबद्ध भारतीय महिला निम्न में से कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बीबीसी, जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, जो कि ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा मीडिया कंपनी है, तो इसके द्वारा जो 100 महिलाएं की लिस्ट जारी की गई है अब तक की पिछले 100 सालों में, तो उसमें 100 महिलाओं ने जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, तो उसमें 100वें स्थान पे कौन सी महिला है जो कि एक भारतीय है? तो इनका नाम है अमृता प्रीतम। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। बीबीसी के अनुसार अब तक की पिछले 70-80 सालों में 100 ऐसी महिलाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, तो उस लिस्ट में जो 100वें नंबर पे महिला हैं उनका नाम है अमृता प्रीतम, जो कि एक भारतीय महिला है। इसमें जो अन्य 2 महिलाएं का नाम भी आया वो भी आपको याद रखना है। 49वें नंबर पे, यानी कि 49th नंबर पे इंदिरा गांधी का नाम आया है, और 77वें नंबर पे सरोजिनी नायडू जी का नाम आया। तो ये 3 जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं, इस लिस्ट में शामिल है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, अमृता प्रीतम जो कि 100वें नंबर पे हैं, इंदिरा गांधी 49वें नंबर हैं, सरोजिनी नायडू 72वें नंबर पे हैं, सॉरी 77वें नंबर हैं। और इस सूची में जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया महिलाओं ने पिछले 70-80 सालों में, उसमें जो नंबर 1 स्थान पाई उनका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स में, 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया था। तो ये थी बीबीसी की लिस्ट। सॉरी, तो हम यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे जो UPSC असेंबली और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है कल, उसके लिए टोटल मैंने 250 यानी कि 250 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में FTII के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले इस्तीफा किसने दे दिया है? ये आपको सही इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात, कल है आपका एग्जाम, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी अच्छे से एग्जाम करना, बहुत कठिन नहीं आएगा, बस थोड़ा देख के करना। दूसरी बात, जो UPSSC वीडियोग्राम विकास अधिकारी करंट अफेयर की सीरीज और रेलवे RPF CVT 2 की करंट अफेयर है, वो मैं परसों यानी कि 3 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप उनमें से किस आपका उनमें से इन दोनों एग्जामों में से किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, तो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज आने वाली है उसको फॉलो जरूर करना। तीसरी बात, जो रेलवे का करंट अफेयर है उसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा चेंज होता है UPSSC के पैटर्न से, तो मैं रेलवे के लिए अलग सीरीज चालू करूंगा और UPSSC के लिए अलग सीरीज चालू करेंगे। पैटर्न इस प्रकार चेंज होता है, जैसे जो UPSSC का एग्जाम होगा आपका वीडियो का, उसमें यूपी फोकस्ड, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर का होगा और पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर होगा वो सिर्फ पूछा जाएगा। UPSSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी में मेनली पिछले 6 से 7 महीनों का, यूपी फोकस्ड, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर का सिर्फ और सिर्फ भारत का करंट अफेयर पूछा जाएगा। दूसरी बात, जो रेलवे का करंट अफेयर होगा उसमें पूछा जाएगा पिछले 1.5 साल का, जैसा कि आप ग्रुप डी और ALP में देख चुके होंगे कि रेलवे में जो करंट अफेयर पूछा जाता है लेटेस्ट नहीं पूछा जाएगा, इसमें पिछले 1.5 साल का पूछा जाएगा, इसमें लेटेस्ट नहीं पूछा जाएगा। यानी कि आपके रेलवे RPF में बहुत ही कम देखने को मिल सकता है कि नवंबर या दिसंबर का 2018 का आए, ज्यादातर जो आएगा पुराना आएगा, पिछले 1.5 साल का आएगा, और इसमें नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल बहुत ज्यादा करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मैं रेलवे के लिए अलग सीरीज और UPSSC वीडियो के लिए अलग सीरीज जारी करूंगा, जिसमें UPSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में UPSSC पैटर्न पे रहेगा और रेलवे में रेलवे पैटर्न पे रहेगा, जैसा कि आप सभी ने ग्रुप डी और ALP में क्वेश्चन देखे हैं। तो इसकी सीरीज आपको कल सुबह 6 बजे से में मिल जाएगी, सॉरी कल तो आपका एग्जाम कल नहीं, परसों। तो ये दोनों सीरीज जो है आपको, एक वीडियो हम आपको देंगे सुबह 6 बजे, एक देंगे 10 बजे परसों, यानी कि 3 दिसंबर से। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है एग्जाम फॉर्म अकेडमी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो ये 2 सीरीज चालू करने वाला हूँ तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, जैसे मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो मेरे कम्युनिकेशन में या फिर टेक्स्ट में, तो जिससे मैं सुधार ला सकूं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। साथ ही साथ आपका जो कल एग्जाम है UPSSC वीडियो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू।